हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे ढबल मछली। ये मछली हम घर पर खरीदे हैं, ये मछली बिकाने आया था। ये मछली का नाम है ढबल, तो ढबल मछली आज बनाएंगे। ये ढबल मछली वाला वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मेरे किचन में यही ढबल मछली बनेगा, तो चलिए चलते हैं किचन में। दोस्तों मछली लेकर के किचन में पहुंच गए हैं, तो चलिए बनाने के लिए हम बोरा पर उझिल लेते हैं। तो चलिए हम ढबल मछली के बढ़िया से ये छिलनी से चैया के उड़ा लेते हैं। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक ला बने रहिए। अपनी गांव के नए नए तरीका से ढबल मछली को रेसिपी बनाएंगे। ये ढबल मछली बार बार नहीं मिलता है, कभी काल मिलता है, और ढबल मछली बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ढबल मछली के बढ़िया से हम चैया के उड़ा दिए हैं, तो चलिए परात में रखते हैं। दोस्तों ढबल मछली के जितना चैया होता है सभी को हम छिलनी से छील दिए हैं। उसके बाद सभी पंखी काट दिए हैं, कनखुरा भी काट करके हटा दिए हैं, और घास खेले रहता है मछली वो भी हटा दिए हैं, पूरे सफाई कर दिए हैं। तो चलिए हम गमला में उझिल करके पानी डाल करके धो देते हैं। पानी डाल दिए हैं, तो चलिए मछली के बढ़िया से हम धो लेते हैं। दोस्तों मछली के बढ़िया से धो लिए हैं, दो पानी से मछली के धो लिए हैं। तो एक पानी से और धोने से पहले चलिए सबसे पहले हम नीमक से इसको छीट करके बढ़िया से मांज लेते हैं, उसके बाद हम धोएंगे पानी से। तो नीमक छीट लिए हैं, तो चलिए बढ़िया से इसको मांज लेते हैं। नीमक छीटने से क्या होता है, इतने कचरा रहता है सब बढ़िया से मांज जाता है। ढबल मछली में जितने ही कचरा रहता है सब बढ़िया से साफ हो जाता है। पानी डाल दिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से धो लेते हैं। मछली धो लिए हैं, तो चलिए परात में रखते हैं। ढबल मछली धो करके तैयारी कर लिए हैं, तो उसके लिए मसाला ले लिए हैं। ये साबुत धनिया है, इसके बाद दो प्याज है, ये हरी मिर्च है, ये लाल मिर्च है, ये लहसुन है, ये धनिया पत्ता है, ये जीरा मरीच है, उसके बाद ये पीला सरसों है, टमाटर। ये मसाला सभी को हम पत्थल पर तैयारी कर लेते हैं। चलिए पत्थल के हम पानी से धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं। पत्थल धो लिए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लहसुन पेस्ट तैयारी कर लेते हैं। लहसुन पेस्ट पीस करके तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए उठा करके इसको साइड में रख लेते हैं। बारी बारी से सभी मसाला हम पत्थल पर तैयारी कर लेंगे। दोस्तों सभी मसाला पीस करके तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए उठा लेते हैं। तो लहसुनों पेस्ट भी पीस लिए हैं, तो चलिए रख लेते हैं। चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं ढबल मछली फ्राई करने के लिए। जब तक इधर कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक इधर ढबल मछली में लहसुन पेस्ट डाल देते हैं। हल्दी पाउडर हम डाल देते हैं एक चम्मच, के बाद हम नमक भी डाल देते हैं। तो चलिए हल्दी नमक लहसुन पेस्ट सभी हम ढबल मछली में मिक्स कर लेते हैं। ये ढबल मछली वाला वीडियो देखने में कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। लहसुन पेस्ट हल्दी पाउडर नमक सब मछली में मिक्स कर लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई गर्म हो गया है, तो सरसों तेल डाल देते हैं। सरसों तेल गर्म हो गया है, तो चलिए ढबल मछली डाल देते हैं फ्राई के लिए। मछली फ्राई हो गया है, निकाल करके हम छीटा में रखते हैं, पहले तेल गर्मने देते हैं। फिर से हम मछली को फ्राई करने के लिए डाल देते हैं कढ़ाई में। दोस्तों सभी ढबल मछली बारी बारी से फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। हवाई मछली फ्राई कर लिए हैं, उसके लिए फोरन में ले लिए हैं, ये हरी मिर्च है, ये लहसुन है, प्याज है, ये धनिया पत्ता है, ये टमाटर है, ये लाल मिर्च है। ये सब फोरन डालने से ढबल मछली बहुत ही सुपर बनता है। हरी मिर्च डाल देते हैं, उसके बाद लहसुन डाल देते हैं, उसके बाद हम प्याज डाल देते हैं, उसके बाद हम टमाटर डाल देते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं, ये धनिया पत्ता बाद में डालेंगे। ये नए तरीका से हम ढबल मछली की रेसिपी बनाते हैं। ये वीडियो देखने में कैसा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सभी फोरन बढ़िया से
भुजा गया है तो चलिए इसमें हम मसाला डाल देते हैं, इसको बढ़िया से चला देते हैं। ये अपने देसी तरीका से ढवई मछली बनाते हैं। चलिए स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, नमक डाल देंगे, इसको बढ़िया से चलाते रहेंगे। टमाटर जो है जो धीरे धीरे बढ़िया से गलेगा, चलाते चलाते बढ़िया से टमाटर गल चुका है तो चलिए इसमें हम पानी डाल देते हैं। रस के लिए पानी डाल दिए हैं तो चलिए इसको बढ़िया से चला देते हैं, जो सभी रस बढ़िया से मिल जाएगा। रस बढ़िया से पकड़ के तैयारी होगी यह तो चलिए इसमें हम ढवई फ्राई डाल देते हैं। मछली डाल दिए हैं तो चलिए इसको चला देते हैं सभी में, मसाला बरोबर हो जाएगा सभी मछली में। तो ढवई मछली बन करके तैयारी होगी यह बढ़िया से तो चलिए स्वाद के लिए इसमें हम धनिया पत्ता छीट देते हैं। पत्ता छीटने से ढवई मछली बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ढवई मछली में बहुत ही सेंट देता है। तो चलिए धनिया पत्ता छीट दिए हैं तो चलिए उतार करके नीचे रखते हैं। दोस्तों ढवई मछली बना करके तैयारी कर लिए हैं तो चलिए खिला करके देखते हैं ढवई मछली का स्वाद कैसा बना है। तो चावल परोस दिए हैं तो चलिए ढवई मछली परोस देते हैं। दोस्तों ढवई मछली और चावल खिलाने वाला वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक।